Good morning, Standard 5. Today we are going to discuss first chapter of English language book, and that chapter name is noun. Student, आज हम लोग अपने English grammar book का पहला chapter noun पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, noun का definition होता है noun is a naming word. ठीक है, द पर्सन ऑफ पर्स द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन. आई एम श्योर ये आप सब ने पढ़ रखा है पहले, अपने पिछली क्लास में नाउन पढ़ रखा है. इस क्लास में हम लोग नाउन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज कॉन्क्रीट नाउन, फोर्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द फिफ्थ वन इज कॉलेक्टिव नाउन. नाउ द मीनिंग ऑफ कॉमन नाउन इज जातिवाचक संज्ञा, मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट नाउन इज द्रव्यवाचक संज्ञा. कॉन्क्रीट नाउन is also known as material noun. Next, abstract noun, Hindi meaning bhavvachak sangya. Collective noun, Hindi meaning samuhvachak sangya. Now let's discuss common noun. Common noun, the definition of common noun, that common noun is the names of any class of persons, places, animals, things and professions. Example, girl, woman, doctor, tree, town, mountain, cat, bicycle and pen. हिंदी मीनिंग जातिवाचक संज्ञा की हिंदी मीनिंग होती है कि ये पूरे जाति को दर्शाता है, संज्ञा के पूरे जाति को ये दर्शाता है. जैसे अगर जगह की बात करें तो ये जगह बताएगा दैट आई लिव इन अ सिटी. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आई लिव इन अ सिटी, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है इन विच सिटी आई एम लिविंग. ठीक है, तो वो सिटी बस बता दिया कि एक शहर में रह रहा है, किस शहर में रह रहा है ये क्लियर नहीं हुआ. एनिमल, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल इन द ज़ू, यानी कि चिड़िया खाने में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं. अब बहुत सारे जीव जंतु में तो बहुत सारे समूचे जीव जंतु के ग्रुप्स आ गए, तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है. कॉमन नाउन हमें संज्ञा का संपूर्ण जाति का बोध कराता है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर नाउन का. Proper noun is the name of particular persons, places, animals, books, movies, languages, days of week, months and festivals. तो names of particular persons का मतलब क्या हुआ? Names of particular persons का मतलब हुआ कि particular मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत. ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का अध्ययन करते हैं. इसमें इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे राधा, आकाश, माउंट एवरेस्ट, दिल्ली एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है, सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक है. लाइक अगर मैं कहता हूँ दिस बुक बिलोंग्स टू राधा, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यह जो किताब है वो राधा की है. ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो माउंट एवरेस्ट क्या हो गया? हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड हो गया. विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है. तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. कॉन्क्रीट नाउन, द्रववाचक संज्ञा, या बहुत लोग इसे मटेरियल नाउन्स भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है कॉमन नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ एनी थिंग और एनी पर्सन दैट कैन बी सीन और फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस. रिपीट कर देता हूँ, कॉमन नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ एनी थिंग और पर्सन दैट कैन बी सीन और फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस. तो मतलब क्या हुआ इसका बच्चों? मतलब ये हुआ कि संज्ञा के वैसे उदाहरण जिन्हें हम लोग अपनी सेंसेस से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. सेंसेस, आप अपनी सेंसेस कहने का मतलब कि जो हमारे फाइव सेंसेस हैं ना, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन,
ये सारे फाइव सेंसेस हैं, इन फाइव सेंसेस की मदद से जिन चीज़ों को हम लोग फील कर सकते हैं या देख सकते हैं या उनका एहसास कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, लायंस हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, पुलिसमैन, थिएटर और पार्क, ये सारे क्या हैं, कॉन्क्रीट नाउंस हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हिंदी मीनिंग हुआ भाववाचक संज्ञा, तो ये हमें भाव दर्शाएगा, जैसे कि नेम्स डैट रेफर्स टू रिलेशनशिप, जैसे कि नेम्स डैट रेफर टू रिलेशनशिप, कोई ऐसा नाम जो रिलेशनशिप संबंध दर्शाता हो, जैसे कि सन हो गया, फादर हो गया, मदर इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया, ठीक है, ये सारे क्या रिलेशंस दर्शाते हैं। क्वालिटीज़ गुण दर्शाता है, ठीक है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सारे क्या हैं, गुण दर्शाते हैं। आइडियाज़, थ्योरीज, फीलिंग्स और स्टेट ऑफ बीइंग, ये जो दर्शाएंगे ये क्या आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फ्रेंडशिप, इंटेलिजेंस, करेज, लव, साइलेंस एंड स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ठीक है, दिखती नहीं है ना दोस्ती, उसको हम लोग महसूस करते हैं। इंटेलिजेंस, ठीक है, जो हमारी जो बुद्धिमत्ता होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, अपनी उस बुद्धिमत्ता को महसूस कर सकते हैं, दिखाई थोड़ी पड़ती है कि कैसी है वो, गोरी है, काली है, लंबी है, छोटी है, थोड़ी दिखाई पड़ती है, बस महसूस होती है। कलेक्टिव नाउन्स, डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, हिंदी मीनिंग है समूहवाचक संज्ञा, तो जो चीज़ें समूह में होंगी, एक ग्रुप में होंगी, उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, जैसे कि अ स्कूल ऑफ फिश, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि मछलियों के झुंड को स्कूल कहेंगे। जहाज़ों, जहाज़ों मतलब कौन, पानी वाला जहाज, ठीक है, जहाँ पानी वाले जहाज़ों के झुंड को फ्लीट कहेंगे। शीप, भेड़, भेड़ों की झुंड को फ्लॉक कहेंगे। और कार्ड्स का जो पैकेट आता है उसको क्या, वो पैक्स में आता है, जनरली एक पैकेट में आता है, तो क्या कहेंगे, अ पैकेट ऑफ, अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स थे। आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ नाउन्स अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज का इमेज और इस चैप्टर का भी इमेज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज दिया हुआ है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में कॉमन नाउन्स जो हमारे हैं उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और जो प्रॉपर नाउन्स को क्या करना है, सर्कल करना है। सो प्रॉपर नाउन के ऊपर घेरा लगाना है और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है, ठीक से समझ लो। देखो प्रॉपर नाउन को क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे, सर्कल करेंगे, ठीक है, और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करेंगे। पहला सेंटेंस मैं बताता हूँ आप लोगों को, आदित्य इज अ गुड स्टूडेंट, एक सेंटेंस आप लोगों के सामने है, ठीक है, आदित्य इज अ गुड स्टूडेंट। तो इसमें आदित्य क्या है, किसी खास लड़के का नाम है ना, तो ये क्या आएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में जाएगा। तो जब ये प्रॉपर नाउन हुआ तो क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। और देखो स्टूडेंट्स भी है ना, तो स्टूडेंट मतलब सभी तो छात्र हैं, कॉमन ग्रुप है, ठीक है, सेम काइंड को दर्शा रहा है, तो ये स्टूडेंट हो गया कॉमन नाउन, इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन, ठीक है। इसी तरह से आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज दिया हुआ है, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट ईच फ्रेजेस, यानी कि एक बॉक्स दिया हुआ, देखो एक बॉक्स दिया हुआ ना, इस बॉक्स में से जो सही शब्द है उसको आप लोग चूज करोगे। यू हैव टू चूज द बेस्ट वर्ड, जैसे पहला मैं आप लोगों के लिए बना दिया, आप लोगों की हेल्प के लिए पहला मैंने बना दिया है। पहला क्वेश्चन है अ डैश ऑफ ग्रास, अ डैश ऑफ ग्रास, तो इसमें जाएगा क्या जाएगा, टफ्ट जाएगा। देखो सेकेंड रो का सेकेंड वर्ड जो टफ्ट है, TUFT टफ्ट है, वो इसमें जाएगा, ठीक है, अ टफ्ट ऑफ ग्रास। फिर बी वाले में होगा द बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स, तो ये दो मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से आप लोग इसको बनाओगे। थर्ड में है अंडरलाइन द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स इन ईच सेंटेंसेज, यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में दो ऑप्शंस हैं, उन दोनों ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन जो उसका है, जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। पहला यहाँ भी मैं आप के लिए बता दिया हूँ, द टीम ऑफ प्लेयर्स इंटर्ड द फील्ड, देखो दो ऑप्शन है, टीम है और फ्लॉक है, तो प्लेयर्स के साथ क्या जाएगा, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम में खेलते हैं ना सारे खिलाड़ी, एक टीम के टीम मेंबर होते हैं, तो इसलिए टीम इसमें जाएगा, द टीम ऑफ प्लेयर्स इंटर्ड द फील्ड।
सो पहला, दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, उस सॉल्यूशन से आप लोग अपने इस होमवर्क को मैच करेंगे, ठीक है। जिसकी गलत है वो सही कर लेंगे, जिसका सही है वो एज इट इज़ करेक्ट कर लेंगे, ओके। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट आवर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।